खनिया थाना जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय गजौरा में पदस्थ शिक्षिका बच्चों के पालकों से साइकिल वितरण में 100-100 रुपए लेती खुलेआम नजर आ रही है। खनिया थाना शिवकांत सोनी मध्य प्रदेश में स्कूल खुले करीब एक माह हो चुका है और स्कूल खुलने के बाद स्कूली बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत फ्री साइकिल वितरित की जाती है। इसी को लेकर जनपद शिक्षा केंद्र खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय गजौरा में पदस्थ हेड मास्टर का रविकांति वर्मा बच्चों को साइकिल वितरण को लेकर बच्चों के पालकों से खुलेआम रुपए लेती नजर आ रही है। ये वीडियो किसी पलक ने बनाकर हमारी टीम के पास भेजा है। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो जानकारी में आया है कि उक्त शिक्षिका शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय गजौरा में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सभी शासकीय विद्यालयों में पुस्तक साइकिल जैसी अन्य सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं, पर यहां पर इस विद्यालय में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ शिक्षिका रविकांति वर्मा बराबर रुपए लेती नजर आ रही हैं। जब हमारी टीम ने खनिया थाना BRCC संजय भदौरिया से बात की तो उनका कहना है कि मुझे आपके द्वारा वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय गजौरा में पदस्थ शिक्षिका रविकांति वर्मा के द्वारा साइकिल वितरण में 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। मैंने तत्काल 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया है और उक्त शिक्षिका पर जांच के बाद सख्त से सख्त कार्यवाही की है।